हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में सीपी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि सीपी कमांड का क्या यूज है. तो सीपी कमांड जो है, सीपी कमांड स्टैंड्स फॉर कॉपी कमांड. तो सीपी कमांड का मतलब है कॉपी कमांड, यानी कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी करने के लिए हम सीपी कमांड को यूज करते हैं. तो दिस कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल. तो किसी भी फाइल की हम किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी एक फाइल की हम किसी भी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं. ग्रुप ऑफ फाइल्स, किसी भी ग्रुप ऑफ फाइल्स को, यानी कि एक से ज्यादा फाइल्स की भी हम कॉपी कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी में. और डायरेक्टरीज, इसका मतलब है किसी एक डायरेक्टरी को हम दूसरी डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं. तो सीपी कमांड का क्या यूज हो गया? सीपी कमांड का यूज हो गया कि किसी भी एक फाइल को हम किसी भी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप ऑफ फाइल्स को हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं, या किसी डायरेक्टरी को भी हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा पहला है कॉपी ए फाइल फ्रॉम करंट डायरेक्टरी. तो किसी करंट डायरेक्टरी से एक फाइल की कॉपी करनी है किसी दूसरी डायरेक्टरी में. तो करंट डायरेक्टरी का मतलब क्या है? जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स में लॉग इन करते हैं तो हम किसी न किसी डायरेक्टरी में चले जाते हैं, तो उसी को करंट डायरेक्टरी बोलते हैं. तो उस करंट डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है, डायरेक्टरी पड़ी होती है. तो उस करंट डायरेक्टरी की कोई भी एक फाइल को चूज करके मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी में भेजना है या कॉपी करनी है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके सबसे पहले मैं सीपी कमांड को टाइप करूँगा. उसके बाद जिस भी फाइल को मुझे ले जाना है, कॉपी करनी है, उस फाइल का नाम लिखूंगा और किस डायरेक्टरी में मुझे वो फाइल कॉपी करनी है उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन है. तो इसमें मैंने लॉग इन कर लिया है. तो लॉग इन करते ही मैं किसी न किसी डायरेक्टरी में आ गया. तो ये मैं कैसे चेक करूंगा? PWD कमांड एग्जीक्यूट करके मैं चेक कर लूंगा. तो अभी करेंटली मैं /home/anil नाम के डायरेक्टरी में हूँ. अब इसमें चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल है. तो ls कमांड से चेक करेंगे. तो ये सारी फाइल्स है और जो ब्लू कलर में है वो सारी डायरेक्टरी है. तो मुझे इन सब फाइल में से कोई भी एक फाइल को चूज करके मुझे एक डायरेक्टरी में कॉपी करनी है. तो यहाँ पे फाइल वन जो है एक फाइल है और इसकी कॉपी करनी है मुझे एक डायरेक्टरी में, DIR एक डायरेक्टरी है, तो उसमें मुझे कॉपी करनी है. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा CP और इसके बाद फाइल वन और डायरेक्टरी का नाम. तो DIR ये डायरेक्टरी है और एंटर प्रेस करूंगा तो फाइल वन जो है ये मेरी कॉपी हो गई है DIR नाम की डायरेक्टरी में. तो मैं चेक कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगा CD DIR. तो इससे क्या होगा, मैं डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, DIR नाम की डायरेक्टरी में चला जाऊंगा. ये मैं चला गया और यहाँ से मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बताएगा DIR में कौन कौन सी फाइल पहले से है और कौन सी फाइल कॉपी होकर के आई है. तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया. तो DIR में जो है अभी फाइल वन जो मैंने कॉपी की थी वो फाइल इसमें कॉपी होकर के आ गई है. अब मुझे अपने DIR डायरेक्टरी से बाहर आना है. तो CD स्पेस और दो बार डॉट और एंटर प्रेस करेंगे तो अब मैं अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया. तो कैसे चेक करेंगे, PWD. तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, /home/anil यानी कि अपने वाले करंट डायरेक्टरी में हूँ. तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी एक फाइल को हम किसी डायरेक्टरी में कैसे कॉपी कर सकते हैं. तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से.
ये मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कॉपी मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू ए डायरेक्टरी। तो अपने करंट डायरेक्टरी से मुझे एक नहीं दो, यानी कि एक से ज्यादा फाइल, मल्टीपल फाइल्स की कॉपी करनी है किसी दूसरे डायरेक्टरी में। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन हमें यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और कमांड का नाम लिखना है सीपी, और मान लीजिए दो फाइल है, दो फाइल को मैं एक साथ कॉपी करना चाहता हूँ, या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल फाइल का मतलब है आप एक से ज़्यादा फाइल ले सकते हैं। तो एक तो हमारी फाइल हो गई फाइल 1, और दूसरी जो फाइल हो गई फाइल 2। ये दो फाइल के नाम है जिसको मैंने फाइल 1 फाइल 2 के ही नाम से बनाया है। तो ये दो फाइल है और इसको मुझे किसी एक डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। तो ये एक डायरेक्टरी का नाम हो गया, डायरेक्टरी या कोई भी डायरेक्टरी आप ले सकते हो। तो ये दो फाइल एक साथ इस डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, ls कमांड को चला करके देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास C1 एक फाइल है, C2 दूसरी फाइल है। तो इन दोनों फाइल को मुझे भेजना है DIR नाम की डायरेक्टरी में। तो मैं क्या करूँगा, CP कमांड को टाइप करूँगा, C1, C2 और डायरेक्टरी का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब मुझे चेक करना है कि मेरी जो ये DIR नाम की जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में C1 और C2 दो जो फाइल है वो कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा CD, इसके बाद DIR, एंटर। अब मैं DIR में आ गया, यहाँ से ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो बताएगा ये कि C1 और C2 कॉपी हो करके इस डायरेक्टरी में फाइल आई है या नहीं आई है। तो आ गई है फाइल 1, तो पहले ही पड़ी हुई थी। C1 और C2 जो है, ये दोनों फाइल कॉपी होकर के DIR नाम की डायरेक्टरी में आ गई है। अब मुझे DIR से बाहर निकलना है और अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आना है। तो CD स्पेस दो बार डॉट और एंटर, और PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि हम अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में या करंट डायरेक्टरी में है या नहीं है। तो अब हम अपने करंट डायरेक्टरी में /home/anil, इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कॉपी ए डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी की कॉपी करनी है कहाँ से, करंट डायरेक्टरी से। करंट डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी की कॉपी करनी है किसी दूसरे डायरेक्टरी में। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिक्स कमांड पे जा करके, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मुझे अपने कमांड का नाम लिखना है सीपी। और किसी भी डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में जब हम कॉपी करते हैं तो हमें -r लगाना पड़ता है, तभी जो है वो डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी होगी। और तो ये डायरेक्टरी 1 है और ये डायरेक्टरी 2 है, मतलब वो डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में हमें DIR1 को कॉपी करनी है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। अब ls कमांड से पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल है। तो ये सारी फाइल है और मुझे एक डायरेक्टरी दूसरे डायरेक्टरी में भेजनी है। तो मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा cp, और मैंने बताया था कि यहाँ पे -r का एक ऑप्शन लेना पड़ेगा जब हम किसी डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करते हैं। तो -r का ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे मैं DIR जो ब्लू कलर में है वो डायरेक्टरी है। तो DIR एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को मैं DIR1 नाम के डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहता हूँ। तो ये मैंने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया।
अब मुझे चेक करना है कि DIR1 में DIR नाम की डायरेक्टरी कॉपी हुई है या नहीं हुई है, तो मैं टाइप करूंगा CD DIR1, एंटर। अब मैं DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गया और यहाँ पे LS कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये बताएगा कि DIR जो है वो कॉपी हुई है या नहीं हुई है DIR1 डायरेक्टरी में। तो ये हो गई है, फाइल 1 तो पहले से ही पड़ी हुई थी DIR1 नाम की डायरेक्टरी में, और अभी मैंने कॉपी किया है DIR, तो DIR कॉपी होकर के DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गई है। अब जो है इससे हम बाहर निकल जाएंगे, DIR1 नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएंगे, CD स्पेस दो बार डॉट करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। और अभी हम किस डायरेक्टरी में है, अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए, तो PWD कमांड से हम चेक कर लेंगे। तो अभी हम /home/anil यानी कि अपने करंट डायरेक्टरी में आ गए। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कॉपी मल्टीपल डायरेक्टरीज, कॉपी मल्टीपल डायरेक्टरीज फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। अब जो है हम अपने करंट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी ही नहीं, एक से ज़्यादा डायरेक्टरी को भी हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मुझे कमांड टाइप करनी है CP, और डायरेक्टरी को जब दूसरी डायरेक्टरी में हम कॉपी करते हैं तो -R ये ऑप्शन रखते हैं। तो मैंने एक से ज़्यादा डायरेक्टरी ले ली, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी यहाँ पे डायरेक्टरी 3 होना चाहिए, बट डायरेक्टरी 2 आ गया है, तो इसको आप 3 मान करके चलें, तो डायरेक्टरी 3। और फिर जिस डायरेक्टरी में मुझे कॉपी करनी है उस डायरेक्टरी का नाम देना है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तो हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में LS कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारी फाइल्स है जो ब्लू कलर में है वो सारी की सारी डायरेक्टरी है। तो एक से ज़्यादा डायरेक्टरी को मुझे किसी दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी 1 है, DIR1 है, DIR2 है, DIR3 है और DIR है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DIR1 डायरेक्टरी, DIR2 डायरेक्टरी, DIR3 डायरेक्टरी, इन तीनों डायरेक्टरी को मैं एक दूसरी डायरेक्टरी यानी कि DIR डायरेक्टरी में इसको कॉपी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा CP, और डायरेक्टरी की जब हम कॉपी करते हैं तो -R लेते हैं, और 3 डायरेक्टरी DIR1, DIR2, DIR3, ये 3 डायरेक्टरी ले ली है मैंने, और इसको मुझे कॉपी करना है DIR1 में, तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो DIR1, DIR2, DIR3 ये तीनों डायरेक्टरी जो है DIR में जा करके कॉपी हो गई है। अब चेक कैसे करेंगे, तो CD कमांड से हम DIR नाम के डायरेक्टरी में जाएंगे, तो CD DIR एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हम करंट डायरेक्टरी से DIR वाले डायरेक्टरी में आ गए हैं, और LS कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि DIR में जो है ये 3 डायरेक्टरी DIR 1 2 और 3 कॉपी हुई है या नहीं हुई है, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो C1 फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई थी DIR में, C2 फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई थी DIR में, और फाइल 1 भी ऑलरेडी पड़ी हुई थी DIR 1 में, सॉरी DIR में। तो DIR 1, DIR 2 और DIR 3 ये तीनों फाइल कॉपी होकर के यहाँ पे आ गई है। अब मुझे DIR से बाहर निकल करके अपने करंट डायरेक्टरी में आना है, तो CD स्पेस दो बार डॉट और एंटर, और PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि हम अपने करंट डायरेक्टरी में है या नहीं है। तो /home/anil लिए हमारा करंट डायरेक्टरी है, अब हम इस डायरेक्टरी में हैं। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कॉपी ए फाइल। अब एक फाइल की कॉपी करनी है जो आपके करंट डायरेक्टरी में है, तो कॉपी ए फाइल फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू एन
एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन पाथ। अब मुझे क्या करना है, अपने करंट डायरेक्टरी से कोई भी एक फाइल जो है उसकी कॉपी करनी है दूसरे डायरेक्टरी में, बट उसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पाथ देनी है उसकी। तो जैसे कि कोई भी डायरेक्टरी है, तो जो है किसी भी डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ होता है करंट डायरेक्टरी से। तो ये कैसे अभी आगे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, सीपी कमांड को लिखेंगे और ये वाली फाइल 1, एक फाइल का नाम है फाइल 1, तो इस फाइल 1 को मुझे एक दूसरी डायरेक्टरी में, ये डायरेक्टरी का नाम है एक तरीके से डायरेक्टरी, तो कोई भी आप डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, तो एक दूसरी डायरेक्टरी में मुझे कॉपी करनी है, बट हमें उस डायरेक्टरी का फुल पाथ देना है ना, लाइनेक्स के या यूनिक्स के जो है रूट से लेकर के उस डायरेक्टरी तक का जो पूरा पाथ है, वो पूरा पाथ दे करके तब हमें इस फाइल की कॉपी करनी है। तो वो जो हम पूरा पाथ देते हैं उसी को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं तो ये समझ में आएगा। तो ये हमारा करंट डायरेक्टरी है, तो हम यहाँ पे PWD कमांड जो है इसको चलाएंगे, तो /home/anil, ये हमारा करंट डायरेक्टरी है। और इसके बाद जो है ls कमांड चलाएंगे तो बताएगा कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर में है वो डायरेक्टरी है। तो अब मुझे एक फाइल कॉपी करनी है एब्सोल्यूट पाथ पर जा करके किसी दूसरे डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, abc फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं cp कमांड को टाइप करूँगा, फाइल का नाम टाइप करूँगा abc, ये फाइल का नाम है। और इसके बाद जो है अब मुझे किसी दूसरे डायरेक्टरी में इसको कॉपी करनी है, मान लीजिए dir, ये डायरेक्टरी है और इसमें मुझे कॉपी करनी है, तो डायरेक्ट मैं dir यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो कॉपी हो जाएगी, बट मुझे dir का एब्सोल्यूट पाथ लेना है। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जो आपका करंट डायरेक्टरी का पाथ है वो लेना है, और बैक स्लैश करके फिर हमें डायरेक्टरी का नाम लेना है, तो वो उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ बन जाएगा। तो /home/anil, ये जो है ये यूनिक्स के रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक का ये पाथ है। और इसके बाद इस पाथ पे /home/anil करंट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है dir, तो इस dir नाम की डायरेक्टरी में मुझे abc फाइल की कॉपी करनी है। तो /home/anil/dir, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया है। अब यहाँ पे कॉपी करेंगे तो abc जो फाइल है वो dir में चली गई है। तो अब मुझे चेक कैसे करना है, तो अगेन cd dir, एंटर ls करेंगे, तो ये देखो abc नाम की फाइल इसमें कॉपी होकर के आ गई है। अब मुझे इससे बाहर जाना है, ये मैं बाहर आ गया, और चेक करना है कि अब किस डायरेक्टरी में है, pwd/home/anil, अभी जो है हम करंट डायरेक्टरी पे आ गए। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कॉपी फाइल। अब हमें फाइल की कॉपी करनी है एसोसिएटेड विद इस सर्टेन फाइल एक्सटेंशन। अब जो है हमें मतलब वैसे फाइल्स की कॉपी करनी है, मतलब फाइल की एक्सटेंशन को लेकर के कॉपी करनी है। मान लीजिए कि फाइल है हमारे, मतलब मान लीजिए करंट डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल है, तो उसमें से .txt नाम की एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल्स है, तो मैं चाहता हूँ कि वो फाइल जिसका एक्सटेंशन .txt है, वो सारी फाइल जो है किसी डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाए।
किसी एब्सोल्यूट पाथ वाले डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, सीपी कमांड को टाइप करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि डॉट टीएक्सटी नाम की जितनी भी फाइल है हमारे करंट डायरेक्टरी में, वो सारी फाइल जो है वो सारी फाइल कॉपी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या टाइप करूँगा, एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होगी वो सारी फाइल को ले लेगा अगर हम एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी टाइप करते हैं तो। और ये स्लैश होम स्लैश अनिल और किसी डायरेक्टरी का हम नाम देंगे तो ये उस डायरेक्टरी का पूरा एब्सोल्यूट पाथ बन जाएगा, और डॉट टीएक्सटी नाम की जितनी भी फाइल होगी उस डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाएगी। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। तो ये हमारा करंट डायरेक्टरी है, तो पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक कर लेते हैं। तो ये स्लैश होम स्लैश अनिल ये हमारा करंट डायरेक्टरी है, यानी कि जिस फर्स्ट टाइम जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स पे लॉगिन करते हैं तो हम उस डायरेक्टरी में, फर्स्ट टाइम जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स पे लॉगिन करते हैं तो हम किसी न किसी डायरेक्टरी में आ जाते हैं, तो उसी को करंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम पीडब्ल्यूडी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे स्लैश होम स्लैश अनिल ये हमारा करंट डायरेक्टरी है। एलएस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ये बताएगा कि आपके करंट डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है। तो ये सारी फाइल है। अब मुझे क्या करना है, डॉट टीएक्सटी यानी कि वो फाइल्स जिसका एक्सटेंशन टीएक्सटी है वो सारी फाइल किसी डायरेक्टरी में जा करके कॉपी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा सीपी, सीपी के बाद एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब है डॉट टीएक्सटी वाली जितनी भी फाइल हो वो कॉपी हो जाए और मेरे पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी है DIR3, इसमें कॉपी हो जाए, और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब क्या है, डॉट टीएक्सटी यानी कि डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल है वो सारी फाइल DIR3 में कॉपी हो गई है। तो चेक कैसे करेंगे, CD DIR 3 और एंटर करेंगे। तो अब मैं DIR3 नाम की डायरेक्टरी में आ गया अपने करंट डायरेक्टरी से। अब मैं यहाँ से ls कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो ये बताएगा डॉट टी एक्स टी वाली जितनी भी फाइल थी आपके करंट डायरेक्टरी में वो सारी फाइल जो है DIR3 में कॉपी हो गई है। तो ये देखिए फाइल 2 ऑलरेडी पड़ी हुई थी DIR3 में, फाइल डॉट टी एक्स टी ये कॉपी होकर के आई है, जीते डॉट टी एक्स टी ये कॉपी होकर के आई है, रमेश नाम की फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई थी, सागर डॉट टी एक्स टी ये फाइल कॉपी होकर के आई है, और सब DIR1 ये एक डायरेक्टरी है तो ये डायरेक्टरी पहले ही पड़ी हुई थी तो ऑलरेडी है। तो सारी डॉट टी एक्स टी नाम की जितनी भी फाइल थी यानी कि फाइल डॉट टी एक्स टी जीते डॉट टी एक्स टी और सागर डॉट टी एक्स टी ये तीन ही फाइल जो है हमारे करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई थी जिसका एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, तो इसमें कॉपी होकर के आ गई है। अब हम DIR3 से बाहर निकल करके अपने करंट डायरेक्टरी में आएंगे, CD स्पेस दो बार डॉट और एंटर, और चेक कर लेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं। तो अभी हम अपने करंट डायरेक्टरी में आ गए, स्लैश होम स्लैश अनिल ये हमारा करंट डायरेक्टरी है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये था हमारा सीपी कमांड के रिगार्डिंग सारी चीजें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।